हेलो दोस्तों, आईपीएल 2019 का राजस्थान और कोलकाता का मैच आज। 11 साल से ईडन गार्डन्स पर नहीं जीते हैं राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2019 12वें संस्करण के 43वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों के बीच अब तक 20 मैच खेले जा चुके हैं और इनमें से कोलकाता ने 10 और राजस्थान ने 9 जीते हैं। एक मुकाबला रद्द हो गया था। ईडन गार्डन्स पर दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबलों में कोलकाता ने 6 मुकाबले जीते हैं और वही राजस्थान को सिर्फ एक में ही जीत हासिल हुई है। एक मुकाबला रद्द हुआ था। राजस्थान को इस मैदान पर पिछली जीत 2008 में मिली थी और इस मैच में मेजबान कोलकाता की टीम पिछले 5 मुकाबलों में मिल रही हार के क्रम को तोड़ना चाहेगी। दिनेश कार्तिक की टीम को पिछली जीत 7 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ ही मिली थी और इसके बाद उसे दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता ने इस सीजन में अब तक 10 मैच में से 4 मैच जीते हैं और उसे 6 में हार का सामना करना पड़ा है। 8 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में कोलकाता की टीम 6 स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे बाकी बचे 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। एक भी हार के बाद अंतिम 4 में पहुंचने के लिए उसे रन रेट और दूसरे टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर होना पड़ेगा। दूसरी ओर राजस्थान ने 10 में से 3 मैच ही जीते हैं, उसे 7 में हार का सामना करना पड़ा है। स्टीव स्मिथ की टीम 6 अंक के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे बाकी बचे 4 मैच जीतने होंगे, साथ ही दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी। तो दोस्तों, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी, हमें वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।